हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। स्वास देखने वाले हैं एवेंजर्स वर्सेस बियॉन्डर पार्ट 4। तो जैसे कि पार्ट 3 पर हमने देखा था कि एवेंजर्स लोकी और एक लेडी को लेकर जहरीले कोहरा से बचने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर छिप गए थे, और जिसके बाद वो कोहरा एक गुफा के अंदर चला गया था, और इसी के साथ पार्ट 3 वो ही खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड यानी पार्ट 4 पर देखेंगे। तो मेरे साथ पार्ट 4 के अंत तक बने रहना। और हाँ, अगर आप लोग पार्ट 3 नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 के शुरुआत में एवेंजर्स उस लेडी को लेकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, क्योंकि अब कोहरा हट चुका था। फिर टोनी उस लेडी जिसका नाम थी एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ हो क्या रहा है। जिस पर एलिस कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि यह कोहरा पहाड़ी के गुफा के अंदर से आती है और सब कुछ तबाह करके फिर वो ही चला जाता है। अब एलिस की ये बात सुनकर टोनी एलिस और सभी एवेंजर्स के साथ उस गुफा के अंदर जांच करने के लिए घुसता है, लेकिन उनके अंदर घुसते ही अचानक से गुफा टूटकर उनके ऊपर गिरने वाला होता है, जिसे देखकर हल्क तुरंत सभी को कवर करता है। अब ये मौका देखकर लोकी हल्क को चिढ़ाता है, जिससे हल्क और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो सभी को बसा लेता है। लोकी ये बात जानता था कि हल्क को गुस्सा दिलाने से वो ताकतवर बन जाता है, और उसी समय हल्क को ताकत दिलाने की ही जरूरत थी, और इसीलिए हल्क भी लोकी को छोड़ देता है, क्योंकि लोकी उसे गुस्सा दिला के उसकी मदद की। फिर इसके बाद वो सभी आगे बढ़ता है, तभी आगे वो सब बायफ्रोस्ट देखता है, जिसे देखकर लोकी सभी को बताता है कि बियॉन्डर ने बायफ्रोस्ट के मदद से ही बैटल ओल्ड को बनाई है। अब बायफ्रोस्ट के मदद से ही वो लोग बैटल ओल्ड को मिटाकर सभी को अपने घर वापस भेज सकता है। और तभी एलिस अचानक से बायफ्रोस्ट की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर हल्क उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो हल्क एक नहीं सुनती और वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि था इंसेंट्रेस। अब यह हमें पता चलता है कि इंसेंट्रेस लोकी और एवेंजर्स को उनको हरा से इसीलिए बसाया ताकि वो उनकी मदद लेकर बायफ्रोस्ट तक पहुंच पाए और अपने घर वापस लौट सके। फिर इसके बाद उन बायफ्रोस्ट के रक्षक क्रिएशर एवेंजर्स को देखकर उन पर हमला कर देता है। एवेंजर्स भी उन क्रिएशर को रोकने में लग जाता है, और इसी मौके देकर इंसेंट्रेस बायफ्रोस्ट तक पहुंच जाती है और उसे खोलने में लग जाती है। अब ये देखकर लोकी भी अपने क्लोन्स बनाकर बायफ्रोस्ट के पास जाता है। इंसेंट्रेस लोकी को अपने टीम में आने के लिए उसे ऑफर करती है, लेकिन लोकी अब सुधर चुका था। वो इंसेंट्रेस के ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि लोकी एवेंजर्स के साथ मिलकर बियॉन्डर से अपने बदला लेना चाहता है। वो बैटल ओल्ड को मिटाकर सब कुछ पहले जैसा करना चाहता है, लेकिन अब लोकी के ये डिसीजन सुनकर इंसेंट्रेस को गुस्सा आ जाती है और वो लोकी पर हमला करके उसे घायल कर देती है। फिर वो लोकी के छड़ी उठाकर बायफ्रोस्ट को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ओपन नहीं होते, क्योंकि बियॉन्डर ने बैटल ओल्ड को बनाने के समय बायफ्रोस्ट को मॉडिफाई कर दिया था। अब बायफ्रोस्ट में गड़बड़ी होने के कारण वहाँ से एनर्जी निकलने लगती है, जिसके एनर्जी के रेडिएशन में आने के कारण इंसेंटेंस तबाह हो जाती है और वो पूरा पहाड़ तबाह होने लगती है। आप ये देखकर लोकी अपने सड़ी से फिर से बायफ्रोस्ट को ओपन करने की कोशिश करता है, ताकि इससे वो बैटल ओल्ड को मिटा सके, लेकिन लोकी के इतना कोशिश करने पर भी बायफ्रोस्ट ओपन नहीं होता, क्योंकि बायफ्रोस्ट को सिर्फ हैमडल के तलवार से ही ओपन किया जा सकता है। आप ये देखकर थॉर लोकी को समझाता है कि इसने इंसेंटेंस को तबाह कर दिया है, ये तुम्हें भी तबाह कर देगा, आप हमें बचने के लिए जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अब थॉर के ये बात सुनकर वो सब तुरंत वहाँ से बाहर आ जाता है, और उनके वहाँ से निकलते ही पहाड़ टूटकर बायफ्रोस्ट तबाह हो जाता है। बाहर आने के बाद थॉर कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता था बैटल ओल्ड को मिटाने का, लेकिन हम वो भी गवा चुके हैं। और तभी वहाँ पर बियॉन्डर आ जाता है, जो तब काफी गुस्से में थे, क्योंकि बियॉन्डर को पता चल गया था कि एवेंजर्स उसके कामों में टांग उड़ा रहा है। बियॉन्डर एवेंजर्स से कहता है कि बैटल ओल्ड मेरे दुनिया है, जहाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तुम लोगों को मेरे अंदर ही काम करना होगा। अब ये सुनकर हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो बियॉन्डर पर अटैक करने जाता है, लेकिन बियॉन्डर अपने पावर से हल्क को डिवाइड कर देता है, जिससे हल्क और ब्रूस अलग अलग हो जाता है। फिर वो उन दोनों को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो एवेंजर्स को धमकी देता है कि अगले बार अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ कूच किया और इस बैटल ओल्ड को मिटाने की कोशिश की, तो मैं इस बार तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर बियॉन्डर वहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप इसका अगला एपिसोड यानी पार्ट 5 पर हम ये देखेंगे कि कैसे एवेंजर्स बियॉन्डर को हरा कर बैटल ओल्ड को मिटाएगा और अपने लोग और दुनिया को बसाएगा। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, ताकि अगले एपिसोड आने के साथ साथ ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए।